हेलो गाइस, व्हाट्सअप। इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। वी विल कवर टू आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। देखिए, हम जो सीरीज चला रहे हैं यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की, इनको हमने अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट किया हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सीरीज में डाले हुए हैं तो इससे आपको समझने में आसानी होगी एंड आपको कोई डाउट क्रिएट नहीं होगा फंडामेंटल राइट्स में। ओके, लेट्स स्टार्ट। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। इसमें जो है ह्यूमन बीइंग की जो ट्रैफिकिंग होती है उसको प्रोहिबिट्स किया जा रहा है। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग ये क्या है, इसके अंडर में क्या क्या आता है, इसको हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेंस लाइक गुड्स, मीन्स सामान की तरह आदमियों का, औरतों का एंड बच्चों का जो खरीद बिक्री होती है, इसको जो है प्रोहिबिट कर दिया गया अंडर आर्टिकल 23। दैट इज केम अंडर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एंड इमोरल ट्रैफिकिंग इज ऑल्सो ऑल्सो बैंड, ऑल्सो प्रोहिबिट्स, एज वेल एज जो प्रोस्टिट्यूशन होता है ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंडर में ही आता है। आफ्टर देन देव दासिनी जो हुआ करती थी, जो राजाओं के महलों में नृत्य करती थी या डांस किया करती थी, ये सब जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंडर में आता है, ये सब जो है प्रोहिबिट कर दिया गया। एंड नेक्स्ट वन इज स्लेवरी, जो गुलाम बना लिए जाते थे वो भी जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंडर में आता है। पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया है जिसका नाम है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956। इसके अंडर पनिश किया जाएगा लोगों को जो इमोरल ट्रैफिकिंग करेंगे। आफ्टर देन दिस आर्टिकल इज ऑल्सो कवर फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर क्या होता है वो देख लेते हैं। फोर्स भी कई टाइप के होते हैं, लाइक फिजिकल फोर्स, लीगल फोर्स एज वेल एज इकोनॉमिकल फोर्स। अब जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेज हैं उसके बेसिस पे कुछ इकोनॉमिकल भी फोर्स होते हैं जिसके थ्रू फोर्स लेबर कराए जाते हैं लोगों से, एज वेल एज मिनिमम वेज से भी कम देना। ये सब रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्ट अब तक बनाए हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट ऑफ 1976। आफ्टर देन मिनिमम वेज एक्ट ऑफ 1948, जो मिनिमम वेज देते थे लेबर्स को, जैसे लेबर की सैलरी मान लीजिए एक दिन की 500 रुपीज़ है, तो कुछ लोग उनको जबरन 200 रुपये में ही काम करा ले रहे हैं, उनको 250 रुपये दे रहे हैं और दे ही नहीं रहे पूरे पैसे, तो उसके लिए मिनिमम वेज एक्ट आया 1948 में। आफ्टर देन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो करते थे लेबर काम करते थे उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आया इन 1970 में। एंड आफ्टर देन इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976। अब आर्टिकल 23 के कुछ एक्सेप्शन भी है वो देख लेते हैं। जो स्टेट है वो कंपलसरी सर्विस ला सकता है, पब्लिक के जैसे पब्लिक के लिए कोई सा भी कंपलसरी सर्विस ला सकता है पब्लिक पर्पस के लिए। ओके, एग्जांपल मिलिट्री सर्विसेज, इट इज नॉट बाउंड टू पे, स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए बाउंड नहीं है इसको पे करने के लिए। ओके, आफ्टर देन आर्टिकल 23 इज क्लियर, वी कैन मूव टुवर्ड्स आर्टिकल 24। अब आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 इज सेज दैट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज एंड हजार्डस इंडस्ट्रीज। चाइल्ड लेबर क्या होते हैं? जो 14 ईयर से बिलो 14 ईयर एज के होते हैं। अब हजार्डस एक्टिविटीज़ वो होती है जिसमें जैसे माइंस वाला काम हो गया, एज वेल एज रेलवे में, ये सब हजार्डस एक्टिविटीज़ में आते हैं। इन 1996 सुप्रीम कोर्ट पास्ड चाइल्ड रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड इन 2000 रुपीज़। ओके, एंड पनिशमेंट क्या क्या दिया जाएगा जो आर्टिकल 24 फॉलो नहीं करेगा, जो बिलो 14 ईयर के बच्चों को
अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करेगा, मतलब जॉब देगा या नौकरी देगा उनको, उसके लिए पनिशमेंट था 6 मंथ की पनिशमेंट है, 6 मंथ उनको इम्प्रिजनमेंट, 6 मंथ टू 2 ईयर की, ओके, एज वेल एज, या फिर 50,000 रुपीज़ का फाइन, या बोथ, या तो दोनों, 50,000 रुपये भी एंड इम्प्रिजनमेंट भी। और जो रिपीट करेगा, एक बार मान लीजिए किसी को सजा हो गया, फिर आकर के फिर उसने वही काम किया, तो उसके लिए 1 to 3 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ओके, क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।